प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें उन्होंने इस घटनाक्रम पर दुख जताया है और साथ ही साथ अश्विनी वैष्णव को से उन्होंने बात की है और रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जायजा लिया है। हालात के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करने के लिए भी इस ट्वीट के जरिए नरेंद्र मोदी ने कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट और इस हादसे के बाद उन्होंने संवेदना जताई है इस हादसे को लेकर। साथ ही ये जानकारी अभी एक बार जो हम फिर से आपके साथ साझा कर रहे हैं, हादसे के फौरन बाद की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, लेकिन अब वहां पे जो जानकारी मिल रही है, घायलों की संख्या उस वक्त 132 बताई जा रही थी, लेकिन अब 30 कैजुअल्टी यानी 30 मौतों की जानकारी भी मिल रही है, यानी 30 यात्रियों की मौत इस घटना में हो गई है। सीएम नवीन पटनायक कंट्रोल रूम पहुंच चुके हैं। 2 एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर संवेदना जाहिर की और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी उन्होंने बात करके इस हालात का जायजा मांगा है, यानी तमाम अपडेट। लेकिन ये अपने आप में वाकई हैरान करने वाली बात कि इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच में, क्योंकि देखिए रेलवे की तरफ से लगातार ऐसे दावे किए गए कि हम ऐसे हादसों को लेकर रेलवे को और ज़्यादा अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में हादसे की खबर मिलना वाकई चौंकाने वाली बात होती है। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है उस पर ये जानकारी भी मिली कि वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन का काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। थोड़ी देर पहले लगातार हम आपके टीवी स्क्रीन पर भी हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं और हम आपके टीवी स्क्रीन पर भी लगातार हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, उस पर भी आप कनेक्ट होकर तमाम अपडेट ले सकते हैं। पूजा मेहता हमारी संवाददाता इस अपडेट के साथ जुड़ चुकी है, क्या जानकारी है उनसे हम हासिल करेंगे। पूजा, क्या जानकारी अब तक, क्योंकि 30 के मौतों की संख्या पता चल रही है यात्रियों की? देखिए रोहित, आपको बता दें रेलवे के तरफ से जो है एक इंफॉर्मेशन जारी की गई है और उसमें इस एक्सीडेंट को लेकर थोड़ी क्लैरिटी दी गई है। आपको बता दें आज शाम 7 के आसपास जो है ओडिशा का बालासोर जो जिला है वहां पर जो ट्रेन थी शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, इस ट्रेन के 10 से 12 डिब्बे जो है वो पटरी से उतर जाते हैं और ये जो डिरेल्ड कोचेस है वो ऑपोजिट ट्रैक में जाकर गिरते हैं और जब भी ये ऑपोजिट ट्रैक में गिरते हैं तो वहां पर एक और ट्रेन थी, वो भी एक पैसेंजर ट्रेन थी, वो थी यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस। लिहाजा ये दो पैसेंजर ट्रेन का जो है साइट कोलिशन हुआ है और यहाँ पर भयावह स्थिति इतनी ज्यादा इसलिए भी हुई क्योंकि यहाँ पर कुल मिलाकर 3 ट्रेनें इन्वॉल्व है। 2 पैसेंजर ट्रेन, एक है शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस जिसके साथ साइड कोलिशन हुआ है हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस का, और साथ ही पास में ही एक और गुड्स ट्रेन थी जिससे भी क्षति पहुंची है। लेकिन अभी आपको बता दें जो जानकारी दी गई है कि अभी फिलहाल जो वहां पर रेस्क्यू और रिलीफ टीम है उन्होंने तो यात्री जो अंदर फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकालकर जो है जो आस पास भर्ती कराया गया है, लेकिन अस्पताल से फिलहाल जो संख्या दी जा रही है उसमें कहा गया है कि 3 लोगों को मृत घोषित जो है कर दिया गया है और अस्पतालों में जो है काफी अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि अचानक से जो है वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ये जो यात्री जिन्हें चोटें आई हैं और गंभीर रूप से घायल हुए हैं, काफी ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है, इसलिए हॉस्पिटल के तरफ से जो है अनाउंसमेंट की जा रही है और स्थानीय लोगों को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो आकर ब्लड डोनेट करें क्योंकि काफी ब्लड की किल्लत हुई है ब्लड यूनिट की, और जो यात्रियों को वहां पर लेकर जाया गया है इन अस्पतालों में चूंकि उनका काफी ब्लड लॉस हो चुका है उन्हें फिलहाल ब्लड यूनिट नहीं होगी, इसलिए स्थानीय लोगों को जो है वहां पर रिक्वेस्ट की जा रही है अस्पताल प्रशासन की ओर से कि आगे आए और ब्लड डोनेट करें। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि ओडिशा के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, मंत्री, डीजी फायर से लेकर तमाम पुलिस ऑफिसर, आईजी रैंक के, एडीजी रैंक के, उन्हें मौके पर भेज दिया गया है। कई ऐसे स्टेट डिजास्टर रिलीफ, पूजा कैजुअल्टी की क्या संख्या है एक बार फिर से जरा उस पर अपडेट कर दीजिए। बिल्कुल रोहित, आपको बता दें फिलहाल अस्पतालों की ओर से जो ये घोषणा की गई है कि 30 लोगों की जो है मौत हुई है इस ट्रेन हादसे में। हालांकि अभी भी कई ऐसे यात्री हैं
जिनको गंभीर चोटें आई हैं और बेहद ज्यादा क्रिटिकल है और उनकी जो है फिलहाल ट्रीटमेंट की जा रही है, लेकिन रश बहुत ज्यादा है क्योंकि एक के बाद एक जो है लगातार इन अस्पतालों में जो है ये जो पैसेंजर यहाँ पर जो फंसे थे उन्हें निकाल कर जो है अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अभी जो आंकड़ा दिया गया है उसमें कहा गया है कि 30 यात्रियों की जो है इस बेहद दुखद ट्रेन हादसे में मौत हो चुकी है। पूजा बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट देने के लिए और नजर बना के रखिए, हम फिर से अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। Z News.